Hello everyone, how are you? Hope you all will be fine and safe there in the pandemic period of COVID-19. I, Harshita Parekh, welcome to you all in my online study classes. I am back with a new class, with a new chapter. मैं यहाँ पर 11th class का inorganic section जो है वो start करने जा रही हूँ. This is my first video of 11th class. मैंने जो यहाँ पर इनऑर्गेनिक का टॉपिक जो है लिया है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द टॉपिक, हम इस टॉपिक की अगर बात करें तो ये टॉपिक हमारे पास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सिर्फ 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट जेईई नीट, तो उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास में ये जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है. This is the basic part of the inorganic. इस chapter के बिना inorganic को जो है वो सोच भी नहीं सकते हैं, because all the basics वो आपके इस chapter के अंदर include हो ही जाएंगे लगभग लगभग. और inorganic के लिए ये chapter जो है वो बहुत ही ज्यादा important है, बहुत ही ज्यादा जो है वो वेटेज रखने वाला है. So If we just talk about कि हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे, होता क्या है केमिकल बॉन्डिंग, तो देखिए हम इस चैप्टर में, दिस इज इंट्रोडक्शन क्लास, आज हमारी जो क्लास रहेगी वो पूरी इंट्रोडक्शन पे बेस है. तो हम इस चैप्टर को आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि कैसे जो है वो आपके पास पे व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड आप इस चैप्टर में क्या क्या जो है वो पढ़ने वाले हैं. अगर आप जो है वो अपने फ्यूचर में केमिस्ट्री को डील करने जा रहे हैं तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से जो है वो पढ़ना होगा, बहुत ही मन लगा करके जो है वो समझना होगा, बिकॉज ये आपके पास तब तक रहेगा जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे. सो लेट स्टार्ट द टॉपिक. देखिए केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन राइज होता है दैट इज व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, होती क्या है केमिकल बॉन्डिंग. We know it very well. The smallest particle, that is atom, according to the Dalton, वो उनको Dalton ने बताया था that the smallest particle of the substance, that is atom है. अब अगर हम बात करें atom से molecule का formation हो सकता है, by the molecule आपके पास में compound, mixture ये सब form हो सकते हैं. तो how the molecule forms by the atom, तो वही जो है वो केमिकल बॉन्डिंग है. एटम्स आपस में किस तरीके से अटैच होंगे, केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होंगे. फिर एटम्स ने मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया, स्ट्रक्चर जो है वो क्या क्या हो सकती है उन सब की, यही सारी चीजों को हम जो है वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. तो आप जो है वो एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ में जो है वो टॉपिक को, इस चैप्टर को स्टार्ट करिएगा. देखिए अब मैं आपको इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या जो है वो टॉपिक्स को टच करना है. इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, विच वी विल डिस्कस इन द चैप्टर. केमिकल बॉन्डिंग, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग जो है वो होती क्या है, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे. सबसे पहले कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग क्या है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अराइजेस, देखिए केमिकल बॉन्डिंग अगर हुई तो हुई क्यों, व्हाई द बॉन्डिंग अगर, व्हाई केमिकल बॉन्डिंग अगर, केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता क्यों है, क्यों जो है वो एटम्स एटम की फॉर्म में नहीं रहता, वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है. मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन होता कैसे है, क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन, वो सारी बातें हम जो है वो इस चैप्टर में आगे करने वाले हैं. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स क्या क्या हैं, तो देखिए हम इसमें डिस्कस क्या क्या करेंगे. वी विल डिस्कस हियर द इंटर एटॉमिक एंड द इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग एंड इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग.
In this topic, types of chemical bonding, we will discuss here about two types of bondings, and these are interatomic and intermolecular. By the name, we can easily assign it, we can easily understand it that interatomic between the two atoms, the bonding which occurs between the two atoms, will be interatomic bonding. Okay. If I just talk about the intermolecular bonding, by the name, we can easily understand it that inter means between the two molecules, the bonding which occur between the two molecules, that is intermolecular bonding. Now, if I just talk about the interatomic bonding, तो हमने बहुत सारे बॉन्ड्स को जो है वो पढ़ा होगा आपसे पहले इन 10 स्टैंडर्ड भी हम जो है वो बॉन्डिंग्स को पढ़ते आते हैं बॉन्डिंग्स के नाम जो है वो हमने पढ़े हुए हैं तो देखिए इंटरएटॉमिक में कौन कौन सा आएगा जस्ट लाइक आयनिक बॉन्ड एज वी ऑल नो आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द अट्रैक्शन या आपके पास एक्चुअल में बॉन्डिंग नहीं होता है दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो है वो दो कोई भी आयन आपस में जो है वो हेल्ड टुगेदर एक साथ में जो है वो इनक्लोज रहते हैं बंधे हुए रहते हैं एंड द बॉन्डिंग इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग तो हम इस टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड को पढ़ने वाले हैं व्हिच फॉर्म्स बिटवीन द टू आयन इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयर ये सब इंट्रोडक्शन चल रहा है हम इनको इन डिटेल जो है वो आगे डिस्कस भी करेंगे आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन द आयन्स केटायन एनायन उनके बीच में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दैट इज आयनिक बॉन्ड Now, so let's talk about the covalent bond. What is covalent bond? देखिए, covalent bond आपके पास में by the sharing. Sharing की वजह से जो है वो form होता है covalent bond, sharing of electron. Electron की sharing होगी और sharing की वजह से जो bond का formation होगा, that is covalent bond. Carbon आपने जो है वो 10th class में पढ़ा होता है and that is form covalent bond. आपके पास में carbon जो है वो covalent bond का ही formation करता है. ओके नाउ द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अगर हम बात करें तो यहाँ एक डोनर होगा जो दोनों इलेक्ट्रॉन खुद के ही किसी दूसरे जो है वो एक्सेप्टर को क्या करता है डोनेट करता है इसके साथ में जो है वो कोऑर्डिनेशन के जो है वो शो करता है और कोऑर्डिनेशन शो करते हुए जो है वो आपके पास में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा मतलब कोई भी एक स्पीसीज है व्हिच इज रिच वो अपने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा था एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी वाइल इन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओनली सिंगल स्पीसीज शेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर और द लोन पेयर विद अनदर वन जो कि आपके पास में एक्सेप्टर होता है के हम जो है उनको बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मैं अगर बात करूं तो इसको एरो से जो है वो इंडिकेट किया जाता है नाउ द नेक्स्ट बॉन्ड दैट इज मेटालिक बॉन्ड मेटालिक बिटवीन द मेटल्स मेटल्स के बीच में जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है मेटालिक बॉन्ड है इफ वी जस्ट टॉक अबाउट दिस बॉन्डिंग की ये बनती कैसे है क्यों जो है वो आपके पास में मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो देखिए We know it very well that metals are electron donor. Metals का जो है वो electron donor nature जो है वो होता है तो जो भी metal आपके पास में इसने electron, electron, electron जो है वो donate किया ठीक है अलग अलग metal जो है वो atoms है metals ही में but atoms अलग अलग है इन्होंने electrons को donate किया यहाँ पर इनके जो है वो nucleuses भी होंगे right? और इनके बीच में जो है वो क्या होगा ये जो है वो इसके साथ में ये इसके साथ में इसके साथ में इसके साथ में ठीक है इस तरीके से जो है वो ये वाला इसके साथ में इसके साथ में इसके साथ में इसके साथ में सेम विद दिस एस सॉरी इस तरीके से जो है वो आपके पास में ये क्या कर रहा है
इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस वो जो है वो मैटेरियल के आपस में जो है वो अटैच करते जाते हैं और मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. वी विल नॉट डिस्कस दिस टॉपिक हियर इन दिस क्लास. ये आपके पास में नेक्स्ट क्लास में जो है वो आता है. मेटालिक बॉन्ड को आप 11th स्टैंडर्ड में जो है वो नहीं डिस्कस करते हैं. तो फिर भी टाइप्स ऑफ बॉन्ड की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैंने आपको बता दिया मेटालिक बॉन्ड इज ऑल्सो द टाइप ऑफ इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स होती है. ठीक है, मेटल एटम्स आपस में जस्ट बॉन्ड से बॉन्डेड है, दैट इज द मेटालिक बॉन्ड. ओके, नाउ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की बात करूं तो इसमें हम जो है वो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे. वैन डर वाल फोर्स, अदर देन दैट वी टॉक अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये दो बॉन्ड जो है वो हम यहां पर पढ़ेंगे इन इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग. देखिए अगर हम बात करें इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग की तो दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग. ये आपके पास में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं व्हाइल इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड. ये वीक बॉन्ड है और ये है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग एंड इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग. ये इंटरमॉलिक्यूलर मींस वैन डर वाल फोर्स एंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये आपके पास में वीक फोर्स होते हैं व्हाइल दीज फोर्सेस आर दीज बॉन्डिंग्स आर द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स हियर. तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात किया जाए सो हैव अ लुक आयनिक बॉन्ड्स. इसको अपन को जो है वो पूरा डिटेल में जो है वो स्टडी करना है. देखिए आयनिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो आयनिक बॉन्ड के साथ में बहुत सारी चीजें और एक्स्ट्रा जो है वो जनरेट होती हैं. दैट इज पोलैरिटी. पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स, अबाउट द अदर टॉपिक्स तो परसेंट कोवेलेंट नेचर. इफ वी टॉक अबाउट द बॉन्डिंग आपने एक चीज सुनी होगी, नहीं अगर मान लीजिए आपने सुना है तो नो इशू, विल डिस्कस इट कि कोई भी बॉन्ड इधर आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड 100% जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता एंड आयनिक बॉन्ड इज नॉट 100% आयनिक. ओके, आयनिक बॉन्ड में कुछ जो है वो कोवेलेंट नेचर होता है एंड सेम विद कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड भी आपके पास में 100% कोवेलेंट नहीं है एंड आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नॉट 100% आयनिक. उनमें थोड़े बहुत करेक्टर्स जो है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं. तो हम यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में कितना परसेंट जो है वो कोवेलेंट नेचर जनरेट हो गया है उस चीज पर भी डिस्कस जो है वो करेंगे एंड वो आपके पास में आ जाता है फाजांस रूल. तो हम यहाँ पे बात करेंगे फाजांस रूल की इन दिस टॉपिक. और फाजांस रूल आपके पास में जो है वो किसको बताता है परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर. किसी भी आयनिक बॉन्ड में कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर, कितना परसेंट कोवेलेंट नेचर जनरेट हुआ है दिस इज एक्सप्लेन बाय द रूल फाजांस रूल. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी विल डिस्कस हियर इन दिस टॉपिक. अभी आपका पूरा इंट्रोडक्शन चल रहा है, आप सब ये जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ मैं आप सब लोगों को कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड को हम वही कैरेक्टर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, क्या क्या कैरेक्टर्स जो है वो शो होते हैं इन द कोवेलेंट बॉन्ड. अदर देन दैट वी टॉक अबाउट द बॉन्ड पैरामीटर्स हियर. अच्छा, बॉन्ड पैरामीटर्स जो है वो नीचे यहाँ पर मेंशन है. कोवेलेंट बॉन्ड में जो है वो आप
पर्सन आयोनिक कैरेक्टर्स की भी बात करेंगे, आप कोवेलेंट नेचर की बात करेंगे, व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड, इसके अलावा क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के, लोअर स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो किस तरीके से फॉर्म की जा सकती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड वाले टॉपिक में। नाउ नेक्स्ट, बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स में आप जो है वो बात करेंगे अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जाइट भी जो है वो हम यहाँ पर बात करेंगे, लैटिस एनर्जी की बात करेंगे, नायनिक बॉन्ड्स यहाँ पर एक टॉपिक जो है वो लैटिस एनर्जी इसकी बात हम करेंगे। ओके, तो इन द बॉन्ड पैरामीटर्स बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस चैप्टर। ओके, देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड जो है वो आपके पास में बन रहा है, तो व्हाट इज अ बॉन्ड एंगल, व्हाट इज अ बॉन्ड लेंथ, वो सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज थियोरीज फॉर बॉन्डिंग। यहाँ हम बात करें अगर कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड में कौन कौन से जो है वो वेट फॉर अ सेकेंड, यस थियोरीज फॉर बॉन्डिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज थियोरीज फॉर बॉन्डिंग। देयर आर मेनी थियोरीज गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट जो आपके पास में जो है वो किसके लिए है, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन जो है वो करती है। तो हम इस टॉपिक इस चैप्टर में जो थियरी स्टडी करने वाले हैं, इट इज वी एस ई पी आर, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक पेयर, रिपल्शन थियरी। द फर्स्ट थियरी विच वी विल डिस्कस वो होगी हमारी वी एस ई पी आर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। देखिए वी एस ई पी आर आपके पास में जो है वो ज्योमेट्री शेप्स को जो है वो बताती है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, कि जो भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आपके पास में हुआ है, दैट इज दैट कैन बी टेट्राहेड्रल, लीनियर हो सकता है, ट्राइगोनल प्लेनर हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है, राइट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है, तो कोई भी ज्योमेट्री अगर बन रही है, मॉलिक्यूल का जो शेप है, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, वो आपके पास में एक्सप्लेन करती है VSEPR, valence shell electronic pair repulsion theory। देखिए नाम से जो है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, valence shell electronic pair repulsion theory, मतलब यहाँ पर जो है वो आप बात करेंगे अबाउट द बोन पेयर्स, अबाउट द लोन पेयर्स, बोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन, बोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन, वो सारी चीजें हम जो है वो बात करेंगे, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोई भी मॉलिक्यूल का शेप जो है वो अफेक्ट होगा। तो शेप ज्योमेट्री जो है वो आपके पास में मेनली फर्स्टली जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्शन थ्योरी, वी एस ई पी आर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्शन की वजह से या रिपल्शन हो रहा है उसकी वजह से इसमें जो है उसका ज्योमेट्री डिसाइड होगा, एंड दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये आपके पास में इंट्रोडक्शन है, मैं आपको टॉपिक्स से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, विच वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में जो जो भी टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं, मेन मेन टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट यस दिस इज वेरी लेंथी ऑल्सो, ये आपके पास में जो है वो बहुत
इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ में बहुत ही लेंथी चैप्टर है, इसको जो है वो बड़ा टाइम जो है वो लगेगा टू कम्प्लीट, बिकॉज ये केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को जो है वो कंटेन किए हुए हैं। सो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ में जो है वो लेंथी भी है, आपको अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो देना पड़ेगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर को समझने में आपको जो है वो पूरा अपने एफर्ट्स जो है वो शो करने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज टू इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके पास में। चलिए हम बात कर रहे थे, हम थियोरीज की बात कर रहे थे, थियोरीज फॉर बॉन्डिंग, कौन कौन से जो है वो थियोरीज हैं जो कि बॉन्डिंग को बताने के लिए, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई, उसमें से हमने डिस्कस किया। बीएससी का डिस्कस नहीं किया, आई मीन टू से कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टॉपिक्स, हम यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इट्स जस्ट पीपीटी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिएगा VBT, valence bond theory, in this theory we will explain about the bonding, वो तो हमें वैसे ही समझ आ रहा है, theories for bonding मतलब तीनों theorems ही आपको bonding को explain करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास में जो है वो बताया हुआ है about the valential electronic pair repulsion, जिसके थ्रू जो है वो lone pair repulsion, bond pair lone pair repulsion, किस तरीके से shape, किस तरीके से geometry जो है वो assign होगा वो बताएगा VBT, valence bond theory। ये आपके पास में जो है वो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड आप इसमें पढ़ेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग पढ़ेंगे आप, ठीक है, ये यहाँ पर ओवरलैपिंग को जो है वो पढ़ेगा बताएगा, एंड वी नो इट वेरी वेल, टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कैन बी ओवरलैपिंग, राइट, ऑर्बिटल्स कैन बी ओवरलेड हेड ऑन और साइड ऑन, और हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है या साइड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है वो डिसाइड करेगा कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो सिग्मा बॉन्ड होगा या पाई बॉन्ड होगा, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, वो सब की बात जो है वो हम इस चैप्टर में करेंगे। तो बाय द ओवरलैपिंग बॉन्ड कैन बी फॉर्म वो आपको पता है, और 10th स्टैंडर्ड में आप सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग्स को पढ़ भी चुके हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग और साइड ऑन ओवरलैपिंग, इफ हेड ऑन ओवरलैपिंग अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, इफ द बॉन्डिंग और द ओवरलैपिंग इज साइड ऑन द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म दैट इज पाई। ओके, ये इंट्रोडक्शन है, यहां हम सिर्फ वो देख रहे हैं, टुडेस क्लास मैं अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, मैं इस चैप्टर को आपसे इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस कितना है सिर्फ आज की क्लास में हम वो जान रहे हैं। ये टॉपिक आपके इनऑर्गेनिक सेक्शन में नहीं चाहिए, 11th क्लास में तो पर्टिकुलर टच होता ही है, सब में इम्पोर्टेंस रखता है, आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको इन सारी चीजों से डील करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो ये आपको वीबीटी बताएगी अबाउट द ओवरलैपिंग, अबाउट द बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा पाई ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रहा है एंड ऑल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एमओपी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए इफ इट्स अबाउट द ऑर्बिटल्स, तो हमें पता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और एटम के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही ये बताया कि एटम्स में ही नहीं ऑर्बिटल्स होते, व्हेन द मॉलिक्यूल फॉर्म्स बाय एटम्स तो वहां पर भी ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटम्स, एटॉमिक ऑर्बिटल वो आपके पास में जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जो है वो बनाते हैं। हम इस चैप्टर में उस एमओपी, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, इसे भी डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन आपने सुना होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो
वो हम डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा डाइपोल मूवमेंट हुआ वो भी हम यहाँ पर चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे. सो दिस चैप्टर इज ओवरऑल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ये हुआ अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक्स व्हिच वी विल डिस्कस हियर इन दिस चैप्टर. यस, हमने अभी देखा दैट व्हाट विल वी डिस्कस इन द चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो अभी हम जो है वो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे बात करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेस दैट व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, होता क्या है केमिकल बॉन्डिंग. जब हम केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स पढ़ना है, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग. सो द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग. सो हैव अ लुक, कोई भी एटम्स, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी दो आयन्स एक दूसरे से किस तरीके से अटैच्ड हैं, होल्ड टुगेदर द वे बाय विच टू एटम्स और आयन्स और मॉलिक्यूल्स आर होल्ड टुगेदर, दैट इज केमिकल बॉन्ड, राइट. तो होता क्या है, कैसे जो है वो कोई भी दो एटम्स हैं, जिस तरह से सपोज दैट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, दे आर टू एटम्स ए एंड ए, राइट. These two atoms are hold together, तभी तो आपके पास में molecule का formation होगा. तो A and A, these are the two atoms, and by the joining of two atoms, one molecule is formed. Suppose that A2 is formed, and this is molecule here. ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा क्या है जिसके वजह से ये दोनों atoms एक दूसरे के साथ में attach हुए हैं, that is the force. तो अगर बात किया जाए अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच द एटम्स आयन्स और द मॉलिक्यूल्स आर होल्ड टुगेदर, उसी को आप कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग. वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जिनकी वजह से कोई भी दो केमिकल सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी दो केमिकल स्पीसीज एक दूसरे से अटैच है, जुड़ी हुई है, वही हमारे पास में होगा केमिकल बॉन्डिंग. देखिए डेफिनेशन क्या होगा, द अट्रैक्टिव फोर्स बाय विच एनी केमिकल substituents like atoms, ions or molecules of it, right? The attractive force by which any chemicals substituents like atoms, like ions, like molecules are hold together, are hold together. वही आपके पास में क्या होगा, that is chemical bonding. वो attractive force जिसकी वजह से कोई दो एटम, कोई दो ions और कोई भी दो molecules आपस में attached हैं, आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं, साथ साथ हैं. That attractive force, that force of attraction is termed as chemical bonding. उसी को आप क्या कहते हैं, chemical bonding. वो attractive force जो किसी दो ions के बीच में लग रहा है, दो atoms के बीच में लग रहा है, दो molecules के बीच में लग रहा है और उनको एक साथ जो है वो बांधे हुए हैं, hold किए हुए हैं, that attractive force is termed as chemical bonding. ये हमने बात की कि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो होती क्या है, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग. नाउ नेक्स्ट इज व्हाई केमिकल बॉन्डिंग अकर्स,
Why chemical bonding occurs? Chemical bonding होती क्यों है? इसकी हम जो है वो बात करेंगे next देखिए हमने ये तो देखा chemical bonding क्या है? Attractive force जिन्होंने किसी भी दो atoms को, molecules को, ions को any of two chemical substituents that are cooled together, right? That attractive forces chemical bonding. Now, why the force generate here or why the chemical bonding occur here? उसकी हम बात करते हैं. तो देखिएगा. Here are two reasons due to which the chemical bond forms. And these two reasons are. देखिएगा. एक अगर मैं बात करूँ to complete the orbit. To complete the octet. देखिए, octet जो है वो आपको पता होगा, octet rules जो है वो आपने पढ़ा होगा in previous actions, हम उसी octet की बात कर रहे हैं, to complete the octet. अगर octet जो है वो complete है, if the octet is complete, octet अगर आपके पास में complete है, तो जो है वो क्या होता है? Stable होता है. Right? Octet rule. Stable होगा. Right? तो हम बात कर रहे हैं कि chemical bonding होती क्यों है? The first point is to complete the octet. Octet जो है उसको complete करने के लिए मतलब octet rule. हम ये बात कर रहे हैं इसी को आप octet rule कहते हैं इसी को आप Jose Luis Crosby जो है वो नाम से जानते हैं. This is Jose Luis approach. Jose Luis approach. Right. और ये जो Jose Luis है इन्होंने ही आपके पास में octet rule दिया था. Jose Luis gave the octet rule. क्या कहता है ये Jose Luis approach? ये कहती है that any atoms wants to attain the electronic configuration like of noble gas. इसके जैसा noble gas electronic configuration attain करना चाहते हैं. Noble gas electronic configuration. Right? To attain the electronic configuration like of noble gas. बेकार देखिएगा noble gas में हमें पता है कि octet जो है वो क्या होता है complete होता है octet complete होता है और octet अगर complete है तो stability ज्यादा होती है right if the octet is complete if the electronic configuration is like of noble gas then the compound or the atom or the species is stable ज्यादा होती है और ये बात तो हमें पता ही है everyone wants to be stable चाहे वो human की बात कर लीजिए हम भी अपनी लाइफ में stable होना चाहते हैं तो यही वाली बात है कि stability attain करने के लिए ठीक है stability कैसे attain करेगा अगर octet complete होगा if the noble gas configuration if it will attain the noble gas electronic configuration noble gas इसी को हम जो है वो inert gas भी बोलते हैं this is inert gas देखिए octet rule ये कहता है in the case of four shell duplet in the case of four shell duplet and in another shell octet should be complete this is the octet rule Okay, octet rule क्या कह रहा है? According to the octet rule, in the case of four shell अगर है, मतलब electronic configuration की हम बात कर रहे हैं कि electrons आपको पता होगा shells में arrange रहते हैं, right? तो जो भी shell में electron, जैसे like a K shell, L shell, N shell, N shell, इनकी हमने जो है वो बात की होती है ना मैंने सांडर सपोज आ, this is nuclear shell, in the nucleus Neutrons and the protons are present. Protons has positive charge, neutron has no charge. Right? This is nucleus. अब nucleus के बाहर क्या होंगे? Imaginary pathways present होते हैं. And these imaginary pathways are shells. इनको shells बोलते हैं. Right? This is a K shell, L shell, M shell, and N shell respectively. K, L, M, N. These are the shells here. Okay,
This is nucleus. Around the nucleus, there are some imaginary pathways in which electrons can revolve. इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, वो हमारे पास में होती हैं शेल्स. ऐसा कोई जो है वो पाथ जो है वो फिक्स नहीं है, कोई जो है वो पैटर्न नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है, बस एक इमेजिनरी पाथवे है जिसमें जो है वो रिवॉल्व करता रहेगा इलेक्ट्रॉन. एंड दीज आर शेल्स. ओके, नाउ इन द केस ऑफ द फोर्स शेल, डुप्लेट शुड बी कंप्लीट. मींस इन द फोर्स शेल हियर कैन बी टू इलेक्ट्रॉन्स. दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल कंडीशन होगी ऑक्टेट जो है वो, या ऑक्टेट नहीं, फर्स्ट शेल की केस में डुप्लेट जो है वो कंप्लीट होगा, राइट. इसके अलावा अदर देन की शेल, बाकी जितने भी शेल है उनके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल क्या कहता है, देखिए वापस ये ऑक्टेट रूल डीवन बाय कोसे एंड लुईस क्या कहा इन्होंने कि कोई भी स्पीसीज जो है अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा. ओके, ऑक्टेट से क्या मीनिंग है? इन द फोर्स शेल, इन द केस ऑफ फोर्स शेल, डुप्लेट दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फर्स्ट शेल में. एंड इन अदर शेल्स कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. इफ देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स तो वो आपके पास में कैसा होगा? स्टेबल होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा. एंड ईच स्पीसीज वांट्स टू बी स्टेबल, सब कोई स्टेबल होना चाहता है, ये भी स्टेबल होना चाहता है, इसलिए क्या करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा. और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं? देखिए, इट कैन लूज द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. सपोज दैट इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन 8, इससे ज्यादा है. लाइक हम अगर बात कर लेते हैं चलेगा, सोडियम की बात कर लेते हैं, Na सोडियम, इट हैज द एटॉमिक नंबर 11. एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो हमारे पास इसका कॉन्फिगरेशन होगा 2 8 1, राइट. 2 8 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द एन शेल, एंड एम शेल रिस्पेक्टिवली, के एल एम. ओके, नाउ व्हाट इज द आर्गुमेंट शेल हियर? दैट इज एम शेल, राइट. एंड इन द एम शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये देखिए, सोडियम की हम बात कर रहे हैं, इट हैज द एटॉमिक नंबर 11. जितना भी एटॉमिक नंबर होता है दैट इज इक्वल्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज इक्वल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए इन द डिफरेंट शेल्स. अभी मैंने बताया के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल रेस्पेक्टिवली. इन द के शेल इज फोर शेल. In the case of four shell, duplicate should be complete. Duplicate means two electrons. Two electrons kahan honge in the case shell. Now, in the another shell, there should be kitna hona chahiye? Eight hona chahiye. To yahan kitna maximum ho sakte hai? Eight electrons can be filled here in the other shell. Now, 10 electrons we have already distributed here. How many remain now? Only one. That will move in the next shell. That is M shell. Okay, 2 8 1, this is the electronic configuration here. Okay, now have a look. Am shell mein ek electron hai. Again kya karega? It will lose that electron. Jaise isne is electron ko lose kiya tha, outermost shell will be there, shell. And how many electrons will be there? If it will lose this electron, it will have 8 electrons, right? Aur abhi hum अगर ऑक्टेट है कंप्लीट तो आपके पास में ज्यादा स्टेबल होगा. ये क्या करेगा? इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन. इन ए ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया. इन ए लूजेस वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एन ए प्लस. ये इसने एन ए प्लस बना लिया, राइट. ओके, नाउ इट हैज इलेक्ट्रॉन 2 and 8. ऑक्टेट कंप्लीट है, ज्यादा स्टेबल होगा. तो अभी हमने बात किया था ऑक्टेट कंप्लीट करना है. क्यों? अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, राइट. चलिए अब मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? दैट इज नियॉन, राइट. नियॉन इज एटॉमिक नंबर 10 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है 2 8. तो सोडियम जो है वो
अपने जैसा जो भी नियरेस्ट नोबेल गैस है उसके जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन गेन करना चाहता है, उसके लिए इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्टेट कंप्लीट किया, नोबेल गैस की जैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन गेन किया स्टेबल होने के लिए, और इस तरीके से जो है वो फॉर्मेशन किसका होगा, सोडियम केटायन Na+। ओके, तो वही हमने बात किया था कि टू अटेन द स्टेबिलिटी टू कंप्लीट द ऑक्टेट क्या क्या केसेस हो सकते हैं, द स्पीसीज कैन लूज द इलेक्ट्रॉन, जो भी हमने बात की इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन और इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या फिर शेयर भी कर सकता है, इट कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर किसी भी स्पीसीज को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है वो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन, इट कैन अटेन द इलेक्ट्रॉन, दीज आर द केसेस फॉर व्हिच टू कंप्लीट द ऑक्टेट। टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाइक ऑफ नियरेस्ट नोबेल गैस इन अवर केस, राइट, टू अटेन द स्टेबिलिटी, ये दोनों ही चीजें क्यों हो रही है, स्टेबिलिटी के लिए। हमें पता है, देखिए नोबेल गैस का नाम ही नोबेल है या फिर इनर्ट है, इनर्ट मींस नॉट रिएक्टिव, जो रिएक्ट नहीं करती है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टेबल, जब कोई ऑलरेडी स्टेबल है तो वो क्यों किसी से रिएक्ट करना चाहेगा। सपोज दैट आई हैव सफिशियंट मनी, जब मेरे पास में सफिशियंट मनी है तो ना तो मैं किसी से बोर्ड होंगी और ना ही मैं किसी को डोनेट करूंगी, आई हैव सफिशियंट मनी, ना मेरे पास एक्स्ट्रा है और ना ही मेरे पास जो है वो कमी है, तो मैं क्या करूंगी, आई एम स्टेबल, आई हैव नो नीड टू बोरो, आई हैव नो नीड टू डोनेट, बिकॉज आई हैव नो एक्स्ट्रा मनी, मेरे पास ज्यादा भी नहीं है, तो जब मेरे पास इतना सफिशियंट है तो मैं किसी के साथ में इंटरेक्शन नहीं करूंगी। सेम टू स्पीसीज, व्हेन दीज हैज द ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, व्हेन दीज आर स्टेबल, तो वो किसी के साथ में रिएक्ट क्यों करना चाहेंगे, और इसीलिए इनको बोला जाता है इनर्ट गैसेस, एंड दीज आर नोबेल गैसेस आर बिलोंग्स विद नंबर 18, नंबर 18 के नाम पर है नोबेल गैस, इनर्ट गैस बोलते हैं, इनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो ये स्टेबल होती है, जब स्टेबल होती है तो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करती। तो देखिए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, गेन हम पढ़ रहे थे वाई केमिकल बॉन्डिंग अकर, और उसका पहला रीजन हमने जो देखा दैट इज टू कंप्लीट द ऑक्टेट, कोई भी स्पीसीज अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोबेल गैस के जैसा करना चाहती है, नियरेस्ट नोबेल गैस के जैसा करना चाहती है, और इसीलिए स्टेबल होने के लिए, किस लिए स्टेबल होने के लिए, टू अटेन द स्टेबिलिटी इट वॉन्ट्स टू अटेन द टू कंप्लीट द ऑक्टेट, टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाइक ऑफ द नियरेस्ट नोबेल गैस, और इसी के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या शेयर करेगी, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगी, स्टेबल हो जाएगी, राइट, और इस तरीके से जो है वो बॉन्डिंग क्यों हुई, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, द फर्स्ट रीजन इज टू कंप्लीट द ऑक्टेट, और यही जो है उसे लुईस अक्रॉस, यही है आपके पास में ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल यही कहता है कि इन द फर्स्ट शेल, द केस ऑफ फोर शेल डुप्लेट शुड बी कंप्लीट, इन अनदर शेल ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट, फोर शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स, इन अनदर शेल एट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उसे लुईस ने दिया है और उसे लुईस यही कह रहे हैं कि कोई भी स्पीसीज ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोबेल गैस जैसा करना चाहता है, और उसके लिए वो क्या कर सकता है, दैट स्पीसीज कैन लूज द इलेक्ट्रॉन, कैन गेन द इलेक्ट्रॉन, कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबल। तो ये हुआ हमारे पास में फोर्थ रीजन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, एंड दैट इज टू कंप्लीट द ऑक्टेट टू अटेन द स्टेबल। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट की बात करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट रीजन हियर, नेक्स्ट रीजन ऑफ द बॉन्डिंग, यस नेक्स्ट रीजन व्हाई द केमिकल बॉन्डिंग अकर, एंड दैट इज टू डिक्रीजेस
the energy, decreases the energy. देखिए ये हमारे पास में जो रूल था रिपीट ऑफ ये दिस इज ओल्ड अप्रोच, ये जो है वो पुराना जो है वो है, अभी इससे ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट जो है उसको दिया जाता है टू डिक्रीज द एनर्जी. ओके, टू डिक्रीज द एनर्जी, एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, और हमें पता है एनर्जी अगर डिक्रीज करेगा कोई भी सिस्टम है वो एनर्जी डिक्रीज करेगा मीन्स इट विल बी मोर स्टेबल. हमेशा ध्यान रखिएगा दैट एनर्जी एनर्जी इज इंटी प्रोपोर्शनल विद द स्टेबिलिटी. इट मीन्स एनर्जी जितना हाई स्टेबिलिटी उतना ही लो होगा, स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा. स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा मतलब एनर्जी उतना ही कम है. चलिए इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. हमारे घर में जो एकदम छोटे अमाउंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट दैट, वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होते हैं और स्टेबल बिल्कुल नहीं होते. दिन भर इधर से उधर भागते रहते हैं, उनके पीछे आप दौड़ भाग करते रहेंगे. मीन्स उनके पास में एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है. दे हैव हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी मीन्स लेस स्टेबल. स्टेबल नहीं होते, उठते नहीं है, इधर नहीं बैठते, उधर नहीं बैठते, भागते दौड़ते रहते हैं. राइट, इट मीन्स स्टेबिलिटी दैट इज इंटी प्रोपोर्शन विद द एनर्जी. उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं. राइट, ओके, नाउ हम बात करें हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, दादाजी हैं, उनकी बात करें तो दादाजी क्या होते हैं. दादाजी जो है वो एनर्जेटिक नहीं है, उनमें एनर्जी जो है वो कम है. एनर्जी कम है तो वो क्या करेंगे, अपने एक प्लेस पर स्टेबल रहते हैं. जो बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे घर में वो क्या करते हैं, अपने रूम में स्टेबल रहना जो है पसंद करते हैं. अपना रूम, अपना बेड, वो बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं है, वो ज्यादा लोगों से बात जो है वो नहीं करते. या दे क्या है, यहाँ पे देखिए एनर्जी में नहीं है तो स्टेबिलिटी में ज्यादा है. जब एनर्जी नहीं होगी तो आप एक जगह पर स्टेबल है, और अगर मान लीजिए एनर्जी है तो आप इधर से उधर इधर से उधर भागते ही रहेंगे. मीन्स देयर इज नो स्टेबिलिटी. तो ओवरऑल एग्जाम्पल किस लिए था, एक चीज को जो है वो समझाने के लिए, दैट एनर्जी इज एंटी प्रोपोर्शनल विद द स्टेबिलिटी. बच्चा बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, लेस स्टेबल नहीं होता स्टेबल. दादाजी एनर्जी नहीं है तो स्टेबल होंगे. राइट, एनर्जी नहीं स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा, जितना ज्यादा एनर्जेटिक स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी. ओके, नाउ कम टू द टॉपिक, टू डिक्रीज एनर्जी, व्हाई द केमिकल बॉन्डिंग अकर, केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन क्यों होता है, टू डिक्रीज द एनर्जी. अभी हमने बात किया एनर्जी अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा. मीन्स अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, विल बी मोर स्टेबल. और ईच एंड एवरी स्पीसीज वांट्स टू बी स्टेबल, सब कोई स्टेबल होना चाहते हैं. अपना एनर्जी डिक्रीज करेगा, अपना एनर्जी इंक्रीज करेगा, एनर्जी डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. और इसीलिए अगर हम बात करें एटम और मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल देन ऑफ एटम. रीजन वो बॉन्ड बनाते हैं, एनर्जी डिक्रीज कर देते हैं और स्टेबल जो है वो हो जाते हैं. इसी तरह से हम बात करें तो देखिए जब बॉन्डिंग हो रही है, राइट, व्हेन द बॉन्डिंग अकर, तो हमारे पास में जो है वो सपोज दैट आप जो है वो एक झरने की बात कर लीजिए, ठीक है, वॉटरफॉल की बात कर लीजिए, तो जस्ट टॉक अबाउट द वॉटरफॉल. तो वॉटरफॉल में क्या होता है, एट द हाइट, जितना ज्यादा हाइट पर है पोटेंशियल एनर्जी विल बी एज हाई. हाइट पर है पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी नहीं है. आप पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरने के बाद में उसका पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होता है और स्टेबल हो जाता है. जो झरना होता है जितना ज्यादा पानी जितना हाइट पे है उसका जो है वो एनर्जी जो है वो उतना ही ज्यादा होता है. हाइट जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी जो है उतना ही ज्यादा होगा. जितना ज्यादा हाइट है पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा, स्टेबिलिटी उतना ही कम. और इसीलिए फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा होता है एट द हाइट, ठीक है. जब वो नीचे गया उसने अपना एनर्जी लूज किया, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम हुआ, एनर्जी कम हुआ, इट मीन्स स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा.
Okay, this is the relation between the energy and the stability. हम बात कर रहे थे why the chemical bonding occur, तो वो क्यों हो रहा है, to decrease the energy. Energy को decrease करने के लिए जब energy decrease होगी तो हमारे पास में stability increase होगी. चलो अब हम इसको एक ग्राफ से जो है वो देख लेते हैं. This is the graph here. मैं यहाँ पर ले लेती हूँ potential, energy and here this is our inter atomic or inter molecular distance की बात हम कर लेते हैं. चलो this graph is something like this. चलेगा. अब हम बात कर रहे हैं घर, तो यहाँ देखिए ये क्या है. This is the intermolecular or the interatomic distance here. यहाँ बात कर रहे हैं तो देखिएगा स्टेबल है ये. यहाँ आ जाइए आप, यहाँ पे intermolecular distance कम हुआ है, right? Intermolecular distance कम हुआ है. Intermolecular distance जैसे जैसे कम हो रहा है यहाँ देखिएगा energy जो है वो क्या हो रही है, energy decreases. Energy decreases तो यहाँ क्या हुआ देखिएगा intermolecular मैं बात करती हूँ. चलिए this is yes, देखिए हम बात कर रहे हैं अबाउट द प्लॉट बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस. ओके दिस आर टू एटम्स ए एंड सपोज डी, राइट. अब ये क्या है, ये दूर है, राइट. जैसे जैसे ये पास आ रहे हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डिक्रीजेस, राइट. चलिए ये इधर आ रहा है, ये पास इधर आ रहे हैं तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. इंटरएटॉमिक डिस्टेंस डिक्रीजेस, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी. पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी मींस स्टेबिलिटी हाई होगा. आप देखिएगा दीज एटम्स विल क्लोज टू द अदर कम्स क्लोज टू द अदर, तो ये क्या हो रहा है, दीज एटम्स कम्स क्लोजर, तो जब ये पास पास आएंगे आपके पास में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा. एट ए पॉइंट देखिएगा इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी. ये दो एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं आते जा रहे हैं, राइट. एक कोई तो पोजीशन ऐसा होगा जहां पे जाने के बाद भी रुकेगा, तभी तो बॉन्डिंग फॉर्म हो रही, नहीं तो क्या होगा एक एटम दूसरे एटम में जाकर के गिर जाएगा, राइट. और ऐसा तो नहीं होता है. So, if I just talk about the intermolecular distance, एक किसी ना किसी पॉइंट पर जाने के बाद में जो है वो अंदर आना या अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बन जाता है. चलिए इससे भी पहले हमको जो है वो बात करनी पड़ेगी अबाउट द एटम्स एंड ऑल. सो देखिए वेट फॉर अ सेकंड. यस न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. नाउ देयर आर टू फोर्सेस व्हिच कैन बी वर्क हियर, दो फोर्सेस यहां पे काम कर सकते हैं. कौन कौन से हो सकते हैं देखिए, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस हम बात कर रहे हैं, दीज आर टू एटम, दो एटम है. इन दोनों में हमें पता है एटम का स्ट्रक्चर, एक न्यूक्लियस होगा, शेल्स होंगे, शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे. तो देखिए दीज आर न्यूक्लियस ऑफ टू डिफरेंट एटम्स. तो यहाँ पर हम बात करें बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस कौन सा फोर्स जो है वो काम करेगा, रिपल्शन, राइट. रिपल्सिव फोर्सेस वर्क हियर. ओके अच्छा इफ वी जस्ट टॉक अबाउट दिस न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन हमें पता है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो काम करता है. बिटवीन दीज टू न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन. व्हाई न्यूक्लियस न्यूक्लियस दोनों पॉजिटिवली चार्ज, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे. ओके ये अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में दिस न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, जबकि इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स जो है वो काम करेगा,
राइट। तो ये आपके पास में जो डॉटेड लाइन है उससे मैंने रिपल्सिव फोर्सेस को बताया है, बाय द सॉलिड लाइन इससे अट्रैक्शन फोर्स को बताया है बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज। राइट, क्या काम कर रहा है? अट्रैक्शन काम कर रहा है और यहाँ पर रिपल्शन काम कर रहा है। मीन्स बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स आपके पास में दो फोर्स काम कर रहे हैं, अट्रैक्शन एंड द रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। व्हाइल वी टॉक अबाउट द रिपल्शन फोर्स, ये क्या कर रहा है? ये बॉन्ड को नहीं बनने दे रहे। मींस आपके पास में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? अट्रैक्टिव फोर्सेस शुड बी ग्रेटर देन ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। अगर ये कंडीशन है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज बॉन्ड विल नॉट फॉर्म। बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इफ अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्सेस, ज्यादा है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट, चलो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अट्रैक्शन है तो क्या होगा? दीज टू एटम्स कम्स टुगेदर, राइट, ये दोनों एटम जो है वो एक दूसरे के जो है वो पास में आएंगे। अब बात करते हैं हम उस प्लॉट की, उस ग्राफ की। गेम विल टॉक अबाउट द ग्राफ, दिस पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अभी क्या हो रहा है? ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ये पास आते जाएंगे एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे जाने के बाद में ये स्टॉप हो जाएगा, अदरवाइज ये इसके अंदर जो है वो गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। राइट, ओके, तो अभी क्या हो रहा है? ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस दीज एटम्स कम्स टुगेदर, कम्स क्लोजर, पास पास आ गए, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता गया। जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। एट पॉइंट पे आने के बाद में जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, एट दैट पॉइंट आपके पास में जो है वो क्या हो जाएगा? अब एनर्जी जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। एनर्जी अगर अब क्या किया जाएगा, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को और कम किया जाए, एनर्जी विल स्टार्ट टू बी इंक्रीज। एनर्जी इंक्रीज करेगा मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। ओके, और ऐसा नहीं होता, इसलिए दिस इज अ पॉइंट, ये पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम, इट मींस स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और यही आपके पास में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। ओके, चलो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हम बात कर रहे थे बाय केमिकल बॉन्डिंग ओकर, केमिकल बॉन्डिंग ओकर ड्यू टू टू रीजंस, टू कंप्लीट टॉपिक, टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाइक ऑफ नोबल गैस टू बी स्टेबल, सेकंड वन टू डिक्रीज द एनर्जी। ये वाला पुराना रूल है, पुरानी बात है, ये नया जो है वो एस्पेक्ट है कि कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहता है, एनर्जी डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, एंड ईच एंड एवरी स्पीसीज वांट्स टू बी स्टेबल, स्टेबल होना चाहेगा, और इसीलिए हमारे पास में जो है वो क्या होगा? टू डिक्रीज द एनर्जी, एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए बॉन्डिंग जो है वो होती है, बॉन्डिंग होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और कोई भी जो है वो एटम जब मॉलिक्यूल बन रहा है, एटम में बॉन्डिंग हुआ, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, इतनी मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन ऑफ एटम। ये हुआ बात दैट व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, व्हाई द केमिकल बॉन्डिंग ऑफर, अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन। आज की क्लास में हमने जो है वो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, उन सब चीजों का, उन सब टॉपिक का इंट्रो देखा, उसके अलावा हम मैकेनिकल बॉन्ड को और केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है इस चीज को डिस्कस किया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू विल एंजॉय माई ऑनलाइन वीडियोज। थैंक यू।